क्लास फर्स्ट सब्जेक्ट है आपका मैथमेटिक्स। सो टेक आउट योर नोटबुक्स एंड बुक्स। सेकेंड लेसन है आपका आज मोर अबाउट नंबर्स। ओके, नंबर्स आपको पता है जैसे 1, 2, 3, 4, ये सारे क्या हैं आपके नंबर्स। ठीक है, ये नंबर्स आपका वन डिजिट में ये नंबर है। अगर मैं ऐसे लिखूँ इसको 17 17, तो ये 17 कितने डिजिट का नंबर हो गया? टू डिजिट नंबर। ठीक है, तो आज हम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, क्या है नंबर्स। तो आज जो सेकंड लेसन में आपका है, फर्स्ट है आपका काउंटिंग इन टेंस। ओके, ओपन योर पेज नंबर 34। पेज नंबर 34। अब यहाँ पे देखिए काउंटिंग इन टेंस। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपकी एक छोटी सी इमेज बनी है। ठीक है, एक मोतियों के क्या बनी है, यहाँ पे माला बनी है, गार्लैंड बनी है। तो इसमें अगर हम काउंट करेंगे, ठीक है, इसको हम काउंट करते हैं अगर, तो इस देखिए इसमें, इस माला में, इस गार्लैंड में कितनी बीड्स हैं, कितने हैं? 1, यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो इसमें कितने हैं, कितने बीड्स हैं इसमें? 10। इसका मतलब कितने नंबर्स हो गए यहाँ पे? 10 नंबर्स हो गए, हुए ना 10 नंबर्स। तो इसका मतलब इस गार्लैंड में कितने टेंस हुए, यानी कि इस गार्लैंड में हुए आपके 1 10। तो आप 10 को कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं 10 को, 1 10। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है आपको, अगर देखेंगे आप, जैसे ये देख लेते हैं हम 4 वाला, यहाँ पे 3 गार्लैंड्स बनी है, हर एक गार्लैंड में कितने बीड्स हैं? 10 इसमें है, ठीक है, 10 इसमें है और 10 इसमें भी है। तो 10 प्लस 10 प्लस 10 कितने हो गए आपके? 30 10। यानी कि टेंस कितने हैं आपके इसमें? 30 टेंस। और 30 को हम कैसे लिखते हैं स्पेलिंग फॉर्म में, यानी कि वर्ड्स में हम कैसे लिखते हैं? 30 30, ये देखिए 30 स्पेलिंग फॉर्म में एंड 30 न्यूमरल फॉर्म में, यानी कि नंबर फॉर्म में। ठीक है, इसमें कुछ नहीं। अब यहाँ पे देखिए 10 10 का है आपकी काउंटिंग, यानी कि 10, जैसे ये 60 वाला एग्जांपल देखेंगे हम, ये वाला देखिए, यहाँ पे देखिए 6 गार्लैंड्स बनी है, 1 2 3 4 5 6, और हर एक गार्लैंड में कितने बीट्स हैं इसमें? इसमें भी 10 है, इसमें 10, इसमें 10, इसमें भी 10, फिर 10 10। अब इनको अगर हम प्लस करेंगे तो कितने आएंगे? 10 20 30 40 50 60। तो कितने 10 हो गए इसमें? 6 10s। कितने 10s हो गए इसमें? 6 10s। कोई मुश्किल नहीं, इजी है ये। अब देखिए, जैसे ओपन योर पेज नंबर 35। पेज नंबर 35। अब यहाँ पे आपका टेंस एंड वंस एक्सपेंडेड फॉर्म, यानी कि एक्सपेंडेड फॉर्म मीन्स खोलना, ठीक है, खोलना या खोल कर लिखना, एक्सपेंडेड फॉर्म। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट है आपका, यहाँ पे देखिए फर्स्ट आपकी एक बीट की बीट्स हैं, यहाँ पे एक थ्रेड में कितनी थ्रेड, इस थ्रेड में एक थ्रेड में कितनी बीट्स हैं? 9। यहाँ पे आपको नंबर में भी बता रहा है 9, अगर आप काउंट करेंगे तो भी आप देख पाएंगे कि ये कितने हैं, 9। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 है। ठीक है, प्लस 1 हमने जब इसमें किया, 1 यहाँ पे 9 बीट्स थी, इसमें एक बीट्स प्लस करी हमने, तो कितना हो गया हमारा?
कितना हो गया आपका 10, तो कितने टेंस हो गए यहाँ पे, सिर्फ ओनली 1 10 हो गए, ठीक है। फिर देखिए एक एग्जांपल और देती हूँ मैं आपको, जैसे यहाँ पे देखिए, ये देखिए यार एग्जांपल, इसमें भी 10 बीट्स है, इसमें 10 बीट्स है, यानी कि 10 10, ठीक है, और प्लस 5 5 अलग से बीट्स हैं, तो 10 कितने यहाँ पे, 2 10s है कि नहीं है, 1 10 एंड 2 10, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2 10s, और प्लस 5 कितने हमारे पास, ओनली 1s है। तो कोई मुश्किल नहीं है इसमें, सिर्फ आप सिंपल सी चीज़ समझिए, अगर आपकी टू, अगर हम ऐसे लिखते हैं 7 7, तो ये आपका 1 डिजिट नंबर है, 1 डिजिट नंबर है आपका, तो जो 1 डिजिट नंबर होंगे आप उसको क्या बोलेंगे, वंस, ठीक है, या ओ से इसको हम क्या कर सकते हैं, डिनोट करते हैं। अगर मैं लिखती हूँ 20 27, तो हम हमेशा बैकवर्ड डायरेक्शन से नेमिंग करेंगे, तो ये आपका कितने नंबर डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर है, ठीक है। तो ये आपका वंस हो गया, वंस हो गया, और ये आपका जो पहला वाला नंबर है कितना हो गया, टेंस हो गया, ठीक है। इस तरीके से देखिए अब हम क्या बोल रहे हैं, 27। अब आप देखेंगे ध्यान से सुनिए, 20 27, 20 मीन्स 2 10, कितने टेंस, 27 किससे मिलके बना, यानी कि 20 और 7 से मिलके क्या बना, 27, तो टेंस कितने हो गए इसमें, 2। 27 में कितने टेंस हो गए, 2 10s हो गए, और अकेला जो आपका बचा है प्लस 5, यानी कि प्लस प्लस और 7 कितना बचा आपके पास, ओनली 1, तो 7 क्या हो गया आपका, 1s, ठीक है। अब ये देखिए आप, आपने कॉपी में किस तरह किसे करना है, यहाँ देखेंगे, ठीक है, आप जैसे करता है लेसन नंबर 2 आप नोट करेंगे, लेसन नंबर 2 मोर अबाउट नंबर्स, ओके, पेज नंबर 34, पेज नंबर 34 काउंटिंग इन टेंस, इस तरीके से मैंने यहाँ पे देखे टेंस आपके गार्लेट फॉर्म में थे, मैंने बॉक्स के अंदर यहाँ पे टेंस सर्कल्स बनाए छोटे 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 टेंस, तो वहाँ पे 1 10 हो गया, 20, इस तरीके से आपने करना है, कोई मुश्किल नहीं, ठीक है। पेज नंबर 35 में भी आपका है एक्सपेंडेड फॉर्म, आपको खोल के लिखना है, ये मैं पीछे एग्जांपल्स में आपको बता चुकी हूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 10s प्लस यहाँ पे 7s, यानी कि 10 1 10 है हमारे पास, और 7 खोल ओनली कितने हैं, 1s। इसके बाद आप होमवर्क करेंगे, पेज नंबर 34 एंड पेज नंबर 35 में दोनों ही पेज आपने क्या करने हैं, कॉपी में पूरे नोट डाउन करने, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है उसमें, इजी है, और आपने बुक में भी ज़रूर इसे करना है, कॉपी में भी आप इसको नीट एंड क्लीन करेंगे, ओके। थैंक यू क्लास।